क्योंकि सेनानी योजनाओं में कितना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर मशक्कत करती है। बहुत ही अच्छा बड़ा विशाल का स्कोर यहाँ पर रखा है। उज्जैन में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उतनी ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी है शानदार की। जाते हुए साहिल के लिए ये अच्छी है, मैंने पटकी नहीं गेंद की है बिल्कुल। रूपेश एम्पायर का इशारा था, वाइड बॉल रूपेश अज्जू को, रूपेश बढ़िया हवा में गेंद देखना होगा। साहिल से बड़ी उम्मीद थी टीम को कि वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन लेते हुए पहली गेंद पर वो केस थमा बैठे। अब उनका स्थान लेने आए हैं आसिम, आसिम शेख। आसिम शेख तो पिछले मैच से ही फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनका अगर फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रुपेश ये नियंत्रण के साथ गेंदबाजी, अब अपने पूरे लय के साथ रितेश अच्छी गेंदबाजी उज्जैन की तरफ से। और ये बीच में से डॉगी रितेश और अच्छी ही गेंदबाजी करते हैं। और बढ़िया गेंद, जब गेंद छोटी आती है तो काफी परेशानियों में यहाँ पर खिलाड़ी देखे गए हैं, क्योंकि ऐसी गेंदबाजी शामगढ़ की तरफ से भी रही है। रितेश वो बिल्कुल हवा में, देखना होगा खिलाड़ी नीचे बिल्कुल। मनोज अब पूरे भी सुनगा बल्लेबाजान खान, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते पूरा दारा लगा रहे सीमा बल्लेबाज पर, देखना कितना कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए और शानगढ़ के लिए। उतनी खूबसूरत गेंद यहाँ पर रितेश की, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में दो बड़ी सफलता प्राप्त की। रितेश कप्तानी पारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है शामगढ़ को, इसी पारी सेमीफाइनल में भी खेल कर 7 रन फाइनल में लेकर आए हैं अज्जू, और अब देखना है कि यहाँ से अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। रितेश बढ़िया गेंदबाजी, हल्की सी अपील लेकिन कोई दबाव नहीं अंपायर के ऊपर। खान फैजान खान स्टार बल्लेबाज है बिल्कुल इस ग्राउंड के। ये वो तो बड़ी अच्छी गेंद, लेकिन नियंत्रण के साथ शॉट मिला और 2 रन 9 रन इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर। शाहरुख
ये मैच अब एक औपचारिक मैच हो चुका है मनोज भाई, औपचारिक तो नहीं है, अभी मनोरंजन बाकी है, जब तक कप्तान खुद पिच पर है मनोरंजन आपको मिलता रहेगा। शानदार वर्सेस उज्जैन के बीच ये फाइनल और ये खूबसूरत फाइनल चलता हुआ दूसरा ओवर चलता हुआ। एक रन आता है पूरा करके बढ़ता है स्कोर 11 रन। नीरज द्वारा ये गगन चुंबी छक्का को देखने को मिल रहा है। स्कोर मनोज भाई स्कोर बताए उधर से। स्कोर 17 रन रेलवे स्कोर शानदार का स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर ये लीजिए एक बार खिलाड़ी मौजूद नहीं है हमारे अंदर का सारा नहीं बाकी दो ओवर की समाप्ति पर 21 रन रेलवे स्कोर शानदार का स्कोर और एक इनाम आया हमारे पास। दोनों बल्लेबाजों में से अगर कोई भी रिवर्सिप को छक्का लगाता है तो सन्नी सफेदा जो कि सीएचआई विभाग में उनकी तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार रिवर्सिप को छक्का चले सन्नी सफेदा सीएचआई विभाग शाम आ जुली भाई आ जुली भाई रितेश और रिवर्स में चौका लगाने पर भी 50 रुपए का नगद पुरस्कार और रितेश अच्छी गेंद नियंत्रण के साथ अंपायर पर कोई दबाव नहीं सही निर्णय के साथ और रितेश काफी बढ़िया भाई साहब गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर में उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई थी टीम को। अंपायर का इशारा भाई 22 रन हो चुके हैं और मैच धीरे धीरे जो मैं अगर यहां से मैच को जिताते हैं तो सोनू भाई जायसवाल की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। अच्छू मैं अगर यहां इस विषम परिस्थिति में से मैच को जिताते हैं किसी भी जो सामना करेगा गेंद का मैच जिताते हैं तो भोला भाई की तरफ से 1000 रुपए सबको पता है कि ये बहुत विषम परिस्थिति में आ चुकी है। अब शोले क्रिकेट क्लब आजी से अज्जू का आउट करवाने की कि मैच जल्द से जल्द तो ताकि क्या गया समापन का जो कार्यक्रम है जल्द से जल्द यहाँ पर प्रारंभ किया जा सके। ये मैच लेकिन नीरज और अज्जू की जोड़ी अभी मैदान में है। नीरज को अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मैच को खेलना होगा। नीरज मिडिल स्कूल के काफी भागड़ बल्लेबाज नीरज देखना होगा अपील कर रहे हैं वहां पर राउंड हो गए हैं राउंड हो गए वापस काफी जा रहे हैं पवेलियन पर काफी
ध्यान देंगे। अगले खिलाड़ी आए हैं मैदान में, काफी बड़े खिलाड़ी हैं, काफी रितेश ये कई रन हो चुके हैं यहां पर शामगढ़ के। नगर करा ही वाहे वाहे और बैटिंग काफी की और अपनी गेंद पर रितेश एक और हवा में देखना होगा शामगढ़ रेल के 32 रन हो चुके हैं। रितेश एक ओवर देखना होगा, अंपायर का इशारा एक रन और ओवर की समाप्ति 33 रन। ओवर कितने मनोज भाई? 3 ओवर। और जैसा कि रिवर्स स्वीप में छक्का लगाने पर 100 रुपए और चौका लगाने पर 50 रुपए सन्नी सफेला की ओर से हमारे पास काउंटर बॉक्स में खड़े हैं शाहरुख लाला। अपने स्पेल का दूसरा ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे काकू। शाहरुख लाला टावर रन से गेम करेंगे काकू के लिए। ये हल्के के कटने से राय चार ओवर का विकेट, बढ़िया बॉल थी। धोनी स्टाइल में गेंद को खेला, गेंद ने फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन मिलने से नहीं रोक सके। इसी एक रन से अब स्कोर बढ़ चला है 34 रन। शानदार का स्कोर 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 57 रन और बनाने हैं यहां से 29 गोलों में। एक बार फिर शाहरुख कप्तान अच्छी गोल के लिए जब उठा के मार दिया है, ये लगा दिया सुरेंद्र गुप्ता। थोड़ी सी चूक हुई और उसका पूरा फायदा उठाया अचुमे ने। एक बार फिर शाहरुख लाला अचुमे के लिए और एक कैच पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई यहां पर रेलवे स्पोर्ट शामगढ़ की टीम। एक एक करके बहुत ही जल्दबाजी में विकेट गिर रहे हैं क्योंकि लक्ष्य लंबा है। हाँ सुंदर, अरे मुझे क्रिकेट का मैच चल रहा है, शूटिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ। हाँ नहीं हाँ शाहरुख लाला इरफान के लिए वो उठा दिया है, देखना है। ये तीसरा लॉन्ग पर तीसरा विकेट कैच किया है भाई साहब, जोरदार। क्या आपका बहुत शानदार, क्या आपका प्रोग्राम देखना है यूट्यूब पे?
हैट्रिक पर है शाहरुख लाला, सामने है काकू, देखते हैं क्या करते हैं शाहरुख। अरे बहुत बढ़िया बॉल, कट बॉल, स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रन। चौथा ओवर, और अब सन्नी सफेला सीएचआई ने अपने नाम के को परिवर्तित कर दिया है। चौका कैसे भी छोटा मारे 50 रुपए और छक्का लगाने के ऊपर 100 रुपए। उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया है रिवर्स का, इनाम कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल यहां पड़ा है। चौका छक्का लगाने पर 50 और 100 रुपए। शाहरुख लाला तोले में सबका दाम आएगा आज। और अब जा रहे हैं छोटा चेतन, और अब इसके बाद बिल्कुल पेड़ बांधकर तैयार खड़े हैं। एक नंबर की टी शर्ट पहने हुए मोहम्मद असलम, पेड़ बांधकर बिल्कुल तैयार है अब मोहम्मद असलम, ये लीजिए खड़े हो गए। अच्छा, और सुधामा यानी छोटा चेतन जो बैटिंग करने गए हैं, उनके पिताजी से रेलवे ग्राउंड में मौजूद है, उनका मैच देख रहे हैं। जीतू भाई कैमरा लेकर बॉलर्समैन राजा, राजा आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की ओर से 5 ओवर लेकर। शालू सामना करेंगे, शालू स्कोर अभी भी रुका हुआ 41 रन। 5वां ओवर प्रगत पर है शालू के लिए, ऊपर से मारा है 1 रन। और अब सामने है स्ट्राइक पर छोटा चेतन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, अच्छी हुई गेंदबाजी करते हैं, देखते हैं कि बल्लेबाजी से क्या हुनर दिखाते हैं छोटा चेतन। गेंदबाजी का भार राजा के हाथों में, राजा पावर एंड से गेंद करेंगे छोटा चेतन को। ये चेतन के लिए सन्नी सफेला की तरफ से आनंद 48 रन। रजिस्टर देना वहां से उठा के रजिस्टर। ये छटा सन्नी से खेला की ओर से चौके पे छक्के पे अंदर का शरा भाई बोलता लगातार दो गेंदों पर दो छक्के लगा चुके हैं छोटा चेतन, और बड़े खुश होंगे जीती भाई उनके इस प्रदर्शन से। राजा ये गेंद लपेटना चाहते थे लेकिन गेंद सही बल्ले पर नहीं आई, इसी बीच दौड़ कर 1 रन पूरा किया। ओहो कोच साहब सब्स्टिट्यूट में फील्डिंग कर रहे हैं, और अब सामना करेंगे शानू सुन राजा एक बार फिर शानू के लिए। देखिए लॉन्ग रन पर खेल दिया, देखना गेंद को फील्ड किया गया, इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया, और वहां पर अब स्ट्राइक पर है छोटा चेतन। बिल्कुल सब्स्टिट्यूट में कोच खुद आ गए हैं फील्डिंग करने, अच्छा वर्णन करते हुए अपने खिलाड़ियों का बीच मैदान में। राजा एक बार फिर हमसे जुड़ जाते हुए छोटा चेतन के लिए। अतिरिक्त रन संख्या के साथ स्कोर बढ़ चला है 58 रन।
131 रन बनाने हैं। पांचवा ओवर चल रहा है। शानदार गोस मैच को जीतने के लिए राजा एक बार जल्दी छोटा चतन के लिए ये गेंद और फुल टॉस बॉल जिसको लपेट दिया गया जारी डिक्लेयर बाउंड्री की तरफ दो रन इसी दो रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 60 रन। शानदार 131 रन के लिए लक्ष्य का पीछा करते बहुत ही विशाल का स्कोर आलोक ने सॉरी उज्जैन ने शानदार के लिए यहाँ पर दिया उसको बराबर पूरी तरह से खड़े उतरे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी की उसी तरह से गेंदबाजी भी की। पांच ओवर हो गए हैं छक्के पे सोनू सफेला की ओर से 50 रन। बल्लेबाजी देखने के लिए बिल्कुल बेकरार है यहाँ की पब्लिक और विकेट को घुमा दिया है गेंदबाजों को 4 रन पर चला है घुमाकर मानना चाहते थे गेंद सही बल्ले पर नहीं है गेंद जा रही है विकेट बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर उससे पहले मौजूद है वहां पर इसी के तौर पर एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ चला है 70 रन और अब सामना करेंगे शानू शानू ओ बहुत बढ़िया हर गेम अगर असलम मोहम्मद असलम हर गेम पे एक रन भी बनाते तो भोला की ओर से 100 रुपए क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत ही पुराने और अच्छे ही गेंदबाज गुजरे हैं ये शामगढ़ नगर में राजा एक बार फिर छोटा चतन के लिए ये क्या फुटास बॉल हेलो छोटा चतन इनाम कम से कम और इनाम की एक और घोषणा कि अगर असलम नहीं अगर छक्का लगाते हैं नो बॉल फ्री हिट असलम भी अगर छक्का लगाते हैं तो शोएब वारसी की तरफ देगा पुरस्कार छक्का लगाने पर राजा एक बार फिर हमसे दूर जाते हैं छोटे चतन के लिए और ये गेंद नो बॉल यानी फ्री हिट बरकरार है और अभी मोहम्मद असलम के चाहने वालों की तरफ से एक ट्वीट आया है कि वो इस मैच के बाद अपने संन्यास की घोषणा भी कर रहे हैं और वो ट्वीट किया है अपने कीपैड मोबाइल से जम्मू भाई ने अपने कीपैड मोबाइल से ट्वीट किया है कीपैड में ट्वीट चलाते हैं जम्मू आका अगर घूस ना कर दे अपने मोहम्मद असलम संन्यास की घोषणा कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा राजा एक बार फिर हमसे दूर जाते हैं छोटा चतन के लिए और ये गेंद उठाकर मारना चाहते थे गेंद सही बल्ले पर नहीं आई बॉल थ्रो में गेंद को खुद राजा ने फील्ड किया उसको अभी भी थमा हुआ रुका हुआ 74 रन 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सातवां ओवर चल रहा है राजा एक बार फिर छोटा चतन के लिए और ये गेंद बहुत बढ़िया रन लेना चाहते थे और ये देखिए भाग रहे हैं और अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं मोहम्मद असलम और एक घोषणा 1100 रुपए की आई है चुच्चू भाई कालरा की ओर से इस गेम के बाद मोहम्मद असलम और मारना 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा चुच्चू भाई कालरा की ओर से असलम खान और ये मारना चाहते थे लेकिन देखिए बिल्कुल भोला तुमने बिल्कुल सही नाम और सही आदमी पर इनाम की घोषणा की है एक रन अगर बनाते हैं तो 100 रुपए एक रन भी बनता नहीं लग रहा है हो आवाज बिल्कुल सही कहा है
जम्मू महीने के संन्यास नहीं लेना चाहिए असलम खान को, मोहम्मद असलम को। बिल्कुल भोला का पैसा ऐसे हजम नहीं होगा, लोहे के चने चबाने के बराबर है मोहम्मद असलम के। एक ओवर में 55 रन बनाने हैं। सिक्स बॉल कर दिया छोटा चौथम को, लाल जोड़ी मैदान में है और अब तो कुछ चमत्कार ही हो सकता है। जहीर चमत्कार कैसे होगा कि जहीर एक रन लेकर इधर आ जाए और चमत्कार करेंगे मोहम्मद असलम खान। मोहम्मद असलम ही अब कुछ चमत्कार कर सकते हैं। 55 रन, हाँ सुदामा आ जाए यहाँ पर और ये सन्नी सफेला, आप अपने हाथ से दो 100 रुपये सन्नी सफेला और 100 रुपये राठौर जी देंगे। हाँ सुंदर भाई, हाँ ये देखो ना ये 100 रुपये और आपको सुंदर भाई की ओर से, ठीक है 50 रुपये यहीं पर रखें। जी चौके पर 50 रुपए का पुरस्कार सन्नी सफेला की ओर से हमारे पास रखा है, उनका इनाम कमेंट्री बॉक्स में हमारे पास रखा हुआ है। 3 गेंदें बची हैं, देखना है असलम भाई सामने आएंगे कि नहीं। अरे ये मार दी है, डिक्लेयर बाउंड्री की तरफ 2 रन, अब गेंद बची है 2 और 3 रन। मैच को अपनी झोली में पकड़ लिया यानी जीत ही लिया है उज्जैन में, अब औपचारिकता बाकी। और ये गेंद और उठाकर मार दिया है 4, खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरी बॉल, ओहो ये 4 है और इस तरह से उज्जैन ने मैच जीत लिया है। ये फाइनल मैच हाथ से बाज ऐसे बोले ला हाँ यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जीतू डीजे शामगढ़, हाँ डीजे शामगढ़ तो हाँ। तो अब आपके ना आपका इंटरव्यू दे आप, हाँ नहीं आपका कौन सा क्लब है आप बोलो। हाँ सर आपका कौन सा क्लब, कौन से गांव से बता रहे हैं आप? हम लोग उज्जैन से आए हैं। हाँ हम लोग की टीम का नाम पंचम गणेश उज्जैन है। हाँ कल हम यहाँ आए थे, कल हमने 2 राउंड खेले थे, दोनों जीते थे। अच्छा आज हमारा सेमीफाइनल किस टीम से हुआ था? आलोट की टीम से था जिनको हाँ? हमने हराया और फाइनल यहीं के लोकल क्लब है शोले, रेलवे स्पोर्ट शोले क्रिकेट हाँ, क्लब शामगढ़ हाँ, हाँ, हाँ? उनसे हमने पहले खेलते हुए 132 रन बनाए थे हाँ? और हमने उनको 60 रन पे ही 65 रन पे ऑल आउट कर दिया। अच्छी बात, इस प्रकार हम लोग इस टूर्नामेंट के विजयी बनने का हकदार पाए। अच्छा क्या इनाम मिला होगा आपके इसके अंदर? यहाँ पहला इनाम था 33,333 रुपए और दूसरा इनाम 15,555 रुपए, तो हम 33,333 के हकदार हुए। अच्छा धन्यवाद साहब, आपकी पूरी टीम बहुत जोरदार है। अभी हमारे विजन चाचा ये इम्पायर साहब, ये इम्पायर साहब हमारे मित्र।